Alet y is equal to sin inverse x. अदिति का चलो n plus 2, यहाँ पे n plus 2 इसका मतलब इसका derivative 2 times first निकलना है. इतने जर 2 असेल ना 2, तो इतने derivative 2 वाला find करें, check करें कितना highest कितने हैं. तो 2 है मुझे क्या करें, 2 times derivative find करें. नसेल तरह दूसरे को आया सेल है sin inverse x, है जो परंत cancel होता है, तो परंत derivative find कर दे. ये जब तक ये निकल के नहीं जाता, तब तक ये क्या करना है, solve करना है हमें, okay? तो ये फर्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा. नहीं सो क्या करना है हमें, टू टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है इसको फर्स्ट, वो याद रखो. वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके नेक्स्ट, देयर फोर वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई वन इज इक्वल टू वन. सेम जितने एग्जाम्पल है ना इस टाइप के, सबके एग्जाम्पल के स्टेप सेम ही है. हमें टू टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है. देखो यहाँ पे वन अपॉन स्क्वेयर रूट में लिया ना अपने वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये जो डिवाइड में सिर्फ यहाँ पे मैं मल्टीपल में ले जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा. वो फक्त सॉल्व करण्यासाठी सोपे होते म्हणून फक्त इकडे तिकडे घेऊन गेले, दुसरं काही नाही याच्यामध्ये. ओके आता नेक्स्ट एक अगेन डिफरन्शिएट करूया. इक्वेशन नंबर वन दिए, हाँ तेल का गरज नहीं, वन दिए हेला वन दिए फर्स्ट एक फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन इसका यूज करना है और इसका एक यूज करना है इक्वेशन वन एंड टू. फिर नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, because square root of 1 minus x square as it is into derivative, this is u function and this is v function, u into v release kar lagle. Okay first term as it is, derivative of second function is a y2, first term y1 and second kind y2 plus y1 as it is, derivative of square root of 1 minus x square, derivative of x, square root of x kya hai to 1 half x raised to थ्री बाय टू, वन हाफ एक्स रेस टू थ्री बाय टू. मैं क्या आना देना सर, वन अपॉन टू माइनस हाफ जाओ, माइनस हाफ होना नहीं, माइनस हाफ मुझे इसका है वन अपॉन टू रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है तो वन हाफ रूट एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो यहाँ पे वन अपॉन टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके इनटू माइनस इनटू माइनस टू एक्स. इधर अगेन डेरिवेटिव क्या लगेगा ना, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है तो माइनस टू एक्स, वन का डेरिवेटिव क्या है तो जीरो. ओके सिंप्लीफाई करा, स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेर वाई टू प्लस इतल का माइनस माइनस टू टू गेट कैंसल, एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेर. वन मिनट ओके बघा, मायनस प्लस काय काय झालं, मायनस एक्स अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ वन मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू वाय वन इज इक्वल टू झिरो. सब स्टेप से बाय स्टेप ऐसे ही करने, एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल है उसमें स्टेप सेम ही करने के हो गए. उसके बाद देखो यहाँ पे स्क्वेअर रूट है ना डिनोमीटर में, उसको कैंसिल करना है हमें. क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि स्टेप ईजी हो जाएगा इसलिए कैंसिल करना है. नहीं तो और एक आप हिंट लग सकते हो आपके दिमाग में, यहाँ पे एक वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट नहीं है ना यहाँ पे रूट, तो इसका रूट कैंसिल करना है. तो इसका रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, इसे रूट से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी रूट को रूट कैंसिल हो जाएगा. देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था हमें, टू टाइम्स डेरिवेटिव निकालना था,
तो टू टाइम्स डेरिवेटिव निकलने के बाद क्या करना है अभी, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूट इन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तभी इसको रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट को रूट कैंसिल हो जाएगा ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा इन टू वाई टू। देखते फिर इसे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट बाय यूजिंग लेबनिस थ्योरम, अरे तुम थोड़ा सिंपलाइज करना, बाय यूजिंग लेबनिस थ्योरम कंसीडर दिस इज v एंड दिस इज u, जैसे आप लेंथ डेरिवेटिव मानते आपण u कंसीडर करतो, जर आपला डेरिवेटिव माहित नसेल तर काय करतो v, किंवा x मध्ये टर्म असेल तर त्याला आपण v कंसीडर करतो। देअरफॉर y इज इक्वल टू uv if y is equal to u v then y n is equal to u n v plus n in bracket n u n minus 1 v 2 plus n in bracket n minus 1 upon 2 factorial u n minus 2 v1 v2 plus and so on, this is the Leibniz rule. Okay, then now consider this is u function, this is v function, e is equal to y2, that implies un is equal to yn plus 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इसका हम क्या कर रहे हैं, n का डेरिवेटिव निकाल रहे, ऑलरेडी वो 2 है तो उसके आगे का कितना होगा, n प्लस 2 होगा सिर्फ। नेक्स्ट u n माइनस 1, तो यहाँ पे n को क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसमें रिप्लेस करना है, n माइनस 1 में, a n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दो, n माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू y n प्लस 1 n माइनस 2 y n minus 2 plus 2 is equal to yn. un is equal to yn plus 2. यहाँ पे first 2 derivative already है, तो उसके हमें क्या करना है, और n निकालना है, तो 2 plus n हो जाएगा ना, तो n plus 2. उसके बाद हमें क्या चाहिए formula में use करना है, ये un minus 1. यहाँ पे देखो un minus 1 चाहिए, un minus 2 चाहिए ना, तो उसकी value कैसे find करते हैं, simple rule use करना है, क्या rule use करना है, is put n is equal to n minus 1 in this form, in this step. We have to put n instead of n is equal to n minus 1 and solve this. Y is n minus 1 plus 2. हमने क्या क्या सिर्फ n के जगह पे n minus 1 put कर दिया. जैसे simplify किया तो y n plus 1 हो जाएगा. U n minus 2 is equal to y n minus 2 plus 2. 2 to cancel हो जाएगा, y n बचेगा सिर्फ. Okay. Next. Phi is equal to 1 minus x square. P is equal to 1 minus x square for 1 minus x square y2 set SLA. Okay. Phi 1 is equal to minus 2x. Phi 2 is equal to minus 2. Phi 3 is equal to 0. And for x y1 set, u is equal to y1. P is equal to x. Un is equal to yn plus 1. Un minus 1 is equal to replace n as n minus 1. Then kya ho jayega yn. Minus 1 plus 1 cancel and kya ho y. V1 is equal to 1. V2 is equal to 0. Jj value apne lagna timi find ke la. For simple 1 minus x square y2 sati consider ke la uv. And after that x and y1 sati consider ke la. Okay. Two separate parts of it consider kele. Therefore, next step yn is equal to, sorry, yn is equal to 9.
ऑलरेडी जैसे मुझे कारण इथे इज इक्वल टू झिरो आहे ना फॉर्म्युलामध्ये स्टेपमध्ये आहे तर इज इक्वल टू झिरो आहे इज इक्वल झिरो तर इस स्टेप मी व्हॅल्यू यूज करणी हो तर डायरेक्टली पुट करते जेव्हा व्हॅल्यू यू एन यू एन यू एन मतलब क्या है वाई एन प्लस टू इंटू फी फी एज इट इज मतलब वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस यू एन हो गया फी गया इसके बाद ई एन एन इंटू यू एन माइनस वन फी वन यू एन माइनस वन यू एन माइनस वन क्या यहाँ पे वाई एन प्लस वन इंटू फी टू फी टू की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स सॉरी फी वन की वैल्यू माइनस टू एक्स प्लस ई एन इन ब्रैकेट ई एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू यू एन माइनस टू आणि फी टू यू एन माइनस टू फी टू यू एन माइनस टू यू एन माइनस टू ची व्हॅल्यू काय वाय एन इंटू फी टू फी टू ची व्हॅल्यू काय माइनस टू प्लस सॉरी माइनस आहे यापे तो माइनस लिहिला माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करना है फिर वही फॉर्मूला यूज करना है एक्स वाई वन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस इसलिए ब्रैकेट में लेंगे हम देखिए क्या करना है यू एन फी यू एन मतलब यू एन वाई एन प्लस वन फी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस उसके बाद एन यू एन माइनस वन इंटू फी वन दोनों फॉर्मूला दोनों स्टेप के लिए यूज करना है इंटू यू एन माइनस वन वो क्या है वाई एन है इंटू फी वन की वैल्यू क्या है वन इज इक्वल टू जीरो ओके okay. उसके बाद क्या करना देखो हेलो सर हाँ बोलो ते यूएन कसा आला सांगा की वर्च ते 1 माइनस एक्स वाई तितल ओके हाँ तो डेरिवेटिव किती टाइम्स आहे टू टाइम्स आहे ना ऑलरेडी आपल्याकडे टू टाइम्स डेरिवेटिव ओके तर आपण त्यात काय करतो एन ऍड करतोय ना अजून एन टाइम्स डेरिवेटिव घेतो त्याचा एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑलरेडी टू आहे त्यात प्लस एन येणार फक्त एन प्लस टू बस सपोज तुमच्या टू टाइम्स डेरिवेटिव ऑलरेडी आहे आणि तुम्हाला सांगितलं अजून थ्री टाइम्स काढा फाइंड करा तर काय करणार टू प्लस थ्री करणार ना तुम्ही किंवा तुम्हाला सांगितलं असेल फाईव्ह टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करायला सांगितलं असेल तर तुम्ही टू प्लस थ्री असं पण घेऊ शकता ना म्हणजे तुम्हाला किती एक्स्ट्रा फाइंड करायचं ते फक्त त्यामध्ये ऍड करायचं ओके सर सांगितलं फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करायला सांगितलं आणि तुमच्याकडे ऑलरेडी तुम्ही टू सेकंड डेरिवेटिव फाइंड केलेलं आहे तर तुम्ही काय करणार थर्ड फाइंड करणार आणि परत काय करणार फोर्थ फाइंड करणार पण असं नाही करणार परत तिथून पुढे फाईव्ह टाइम्स नाही काढत ना तिथून पुढे जे कमी ते ऍड करतो तसं आपल्याकडे ऑलरेडी टू आहे अजून आपल्याला एन काढायचं म्हणजे फक्त ऍड करायचं ओके आता हे स्टेप समजलं काय केलं मी कशा व्हॅल्यू पुट केलं ते आता इम्पॉर्टंट स्टेप हीच आहे बघा हे इथं मग आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायचे आहेत हे जे स्टेप थे ना इम्पॉर्टंट वाय टू का डेरिवेटिव क्या वाय एन प्लस टू ऑलरेडी हमारे पास टू है उसमें और एन ऐड कर दो क्योंकि हमें और एन का डेरिवेटिव उसका एन का डेरिवेटिव निकालना है ना तो यहाँ पे कर दिया एन प्लस टू हो गया इसके बाद एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से यहाँ पे एन माइनस टू से फिर रिप्लेस कर दो हो गया यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे भी सेम एक्स वाई वन के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करना है और सब वैल्यू मिला किस में पुट करनी है हमारे लिबनिज़ थ्योरम में जो लिबनिज़ थ्योरम उसमें पुट करना है अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो
वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइन प्लस आणि इथलं काय होईल मायनस मायनस टू एन एक्स वाय एन प्लस वन यापे देखो टू एक्स एन वाय एन प्लस वन यापे देखो हे एट इज टू को एट टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखो प्लस एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू वाई एन माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई एन प्लस वन प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा एन इंटू वन एन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करना है फिर हमें वाई एन प्लस टू के टर्म अलग कर दो वाई एन प्लस वन के टर्म अलग कर दो और वाई एन के टर्म अलग कर दो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस यहाँ पे वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल दो माइनस कॉमन निकाला हमने वाई एन प्लस वन तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो टू एन टू एन एक्स इसमें एक्स भी कॉमन है दोनों में यहाँ पे देखो एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी कॉमन निकाल दो तो टू एन बचा सिर्फ और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन। ये दोनों स्टेप देखो ए यहाँ पे एक स्टेप है ना यहाँ पे और एक स्टेप इसमें कॉमन कौन सा पार्ट है एक वाई एन प्लस टू ए का ही कॉमन और एक्स ए कॉमन है यहाँ पे वाई एन प्लस वन और एक्स दोनों कॉमन है दोनों मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिए तो क्या वाई एन प्लस वन इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे टू एन बचेगा यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया ओके उसके बाद नेक्स्ट दोनों में से वाई एन कॉमन निकाल दो प्लस वाई एन कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा एन माइन एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन और यहाँ का माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू फिर उसके बाद माइनस टू एन प्लस वन को आगे ले लो टू एन प्लस वन माइनस यहाँ पे टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन उसके बाद इसमें ए वाई एन को इसमें ए सॉल्व कर दो फर्स्ट और वाई एन लिखो बाद में एन मतलब क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वेयर ब्रैकेट में ले लो एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर माइनस एन माइनस और आप एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एन इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई कर दो फिर एक बार एन प्लस प्लस एन स्क्वायर माइनस एन मुझे क्या हो जाए देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस टू एन इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो। कुछ तो गलत हुआ है हमारे कैलकुलेशन में कुछ तो सर ती तो माइनस है ते पूरा टू ला टू कैंसिल के ले मग ते माइनस रह ले लॉट कैंसिल के लिए तो माइनस हाँ राइट 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 हाँ ये माइनस रहा ना यहाँ पे माइनस लिया ही नहीं हमने यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो माइनस और यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा एक कॉमन निकलना भूल गए माइनस माइनस लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस तो इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा वो
स्क्वेअर इनटू y n इज इक्वल टू 0 हेंस द प्रूफ बघा प्रूफ आलेगा नेक्स्ट करायचं फाइंड y n ऑफ 0 y n ऑफ 0 ने काढायचं ना y n ऑफ 0 म्हणजे काय असतं y n ऑफ द फंक्शन ओके y n ऑफ काय असतं x असतं पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0 देयरफॉर यहां पे x पुट किया तो क्या आ जाएगा देखो y n प्लस 2 इन इक्वल टू 0 अब 2 रुपए ज्यादा दे दो और यहां पे 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा माइनस यहां पे x की जगह पे 0 पुट करेगा माइनस n square y n is equal to आता मैं काम करना है चल बस ऐसा हो जाएगा therefore यहाँ पे one से multiply किया तो क्या हो जाएगा सिर्फ in bracket zero minus n square y n of zero is equal to यहाँ पे plus है यहाँ पे one के बाद क्या हो जाएगा y n plus two of zero minus minus के लिए answer therefore y n of 0 is equal to minus y n plus 2 of 0 upon e n square ek asal final answer adva yacha madhe tumhi he lihta na y n वगैरे itla y n yacha artha ka asto y n is known as y n of x function ana de step by step vyavasthit lihun gya आपण आधुनिक एक्झाम्पल घेऊन म्हणजे समजून जाईल तुम्हाला काय करायचंय अलेक्स द्या लेट वाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स एक्स काय येणार n divided by 1 plus x square 1 plus x square 1 plus x y1 is equal to 1 upon 1 plus x square that ka correct multiple ada 1 plus x square into kanar y1 is equal to 1 equation number 1 equation number 2 again differentiate kara again differentiate with respect to 2 x a 1 plus x square as it is into corner y2 derivative of y1 is y2 plus y1 as it is derivative of y u by the derivative ka hai to 1 plus x square the derivative 2x is equal to 0 is it like equation number 3 ata next ay karayche consider kara कसरी कंसीडर करायचं फर्स्ट 1 प्लस x स्क्वेअर इनटू y2 देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेअर आणि इफ वी सॉरी u इज इक्वल टू y2 आणि v इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेअर ओके देन un इज इक्वल टू yn प्लस 2 u n minus 1 is equal to y n plus 1 and u n minus 2 is equal to y n next y is equal to y 1 is equal to 2 x v 2 is equal to 2 v 3 is equal to 0 therefore next the and 2 common to y as it is टू कॉमन ठेवलं तर काय करायचं एक्स आणि वाय वन साठी सांगा काय ते एक्स इज वाय वन यू इज इक्वल टू वाय वन फी इज इक्वल टू एक्स फी वन इज इक्वल टू वन फी टू इज इक्वल टू झिरो म्हणजे ते फक्त यू एन पर्यंतच घेत यू एन इज इक्वल टू वाय एन प्लस वन
ओके नेक्स्ट यूएन घेतला त्यानंतर नेक्स्ट पितृपेक्षा एक न कमी पितृपेक्षा एक न कमी वाय यू एन मायनस वन इक्वल टू वाय वी नो दॅट वाय इज इक्वल टू यू व्ही देन वाय एन इज इक्वल टू यू एन व्ही प्लस एन इन टू यू एन मायनस वन व्ही वन प्लस एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन अपॉन टू फॅक्टोरियल इन टू व्ही टू प्लस अँड सो ऑन ओके देअर फॉर करा कुठं आता व्हॅल्यू यू एनची व्हॅल्यू काय वाय एन प्लस टू इन टू व्ही व्हीची व्हॅल्यू काय वन प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एन यू एन मायनस वन वाय एन प्लस वन इन टू व्ही वन व्ही1ची व्हॅल्यू काय 2x प्लस एन ब्रॅकेट एन मायनस वन अपॉन टू फॅक्टोरियल इन टू व्ही टूची व्हॅल्यू काय ते 2 सॉरी त्याच्या अगोदर वाय एन राहिले यू एन मायनस इथं यू एन मायनस टू यू एन मायनस टूची व्हॅल्यू काय आली वाय एन इन टू काय येणार 2 त्यानंतर नेक्स्ट काय ज्यामध्ये प्लस टू कॉन्स्टंट ठेवा एज इट इज इन ब्रॅकेट यू एन यू एन मतलब या पे यू एन ची व्हॅल्यू काय वाय एन प्लस वन वाय एन प्लस वन इन टू फी फी किती येतं एक्स प्लस एन इन टू यू एन मायनस वन ची व्हॅल्यू काय व्ही एन आणि एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय असलो इज इक्वल टू झिरो या टूला ए टू कॅन्सल होईल देअर फॉर वन प्लस एक्स स्क्वेअर इन टू वाय एन प्लस टू प्लस टू मल्टीप्लाय करा टू एन एक्स वाय एन प्लस वन प्लस एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन इन टू वाय एन एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन इन टू वाय एन ओके नेक्स्ट टू टू गेट कॅन्सल एन इन ब्रॅकेट एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन एन टू टू कॅन्सल झालं ओके प्लस टू एक्स एन प्लस वन प्लस 2n into yn is equal to 0. आता आपण काय करायचं सेपरेट सेपरेट करत जाऊ ओके वाय एन हे काय टर्म गरज नाही वाय एन प्लस वन आणि वाय एन प्लस वन दोन्हीमध्ये काय काय कॉमन निघतं चेक करा ते कॉमन घ्या इन दोन मेसे कॉमन निकाल दो क्या निकलता है तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखो पहले वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाय एन प्लस टू प्लस इथे काय टू कॉमन आहे एक्स कॉमन आणि वाय एन प्लस वन कॉमन आहे क्या मग टू एक्स वाय एन प्लस वन इन ब्रॅकेट एन प्लस वन कारण दोन्हीमध्ये कॉमन कोणती टर्म आहे बघा इथं वाय एन प्लस वन वाय एन प्लस वन एक्स आणि टू इथं काय राहतं एन रिमेनिंग एन ओनली रिमेनिंग हिअर ओनली वन रिमेनिंग देअर फॉर एन प्लस वन नेक्स्ट कॉमन वाय एन बिटवीन दिस टू टर्म्स वाय एन इन ब्रॅकेट एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन प्लस टू एन
एक नौ मिनट एन पण कॉमन निघेल हाँ ओके एन पण आहे ना एन इथं पण आहे आणि इथं पण आहे एन कॉमन घे डायरेक्ट एन वाय एन इन ब्रॅकेट एन अँड वाय कॉमन म्हटलं एन मायनस वन प्लस टू एन काय सिम्पली बघते का चेक करा एन मायनस वन प्लस टू एन म्हणजे थ्री एन प्लस टू सर एन कॉमन काढलंय त्यामुळे टूच राहते फक्त एन कॉमन घेतल्यानंतर डबल घेतलं मी ना बरोबर इज इक्वल टू देअर फॉर वन प्लस एक्स स्क्वेअर वाय एन प्लस टू एक्स इन ब्रॅकेट एन प्लस वन वाय एन प्लस वन प्लस एन इन ब्रॅकेट एन मायनस वन प्लस टू म्हणजे मायनस वन प्लस टू काय तर वन म्हणजे एन प्लस वन इन टू वाय एन is equal to 0. Hence the proof. Next term, put x is equal to 0. Therefore, 1 plus 0 to yn plus 2 of 0. Plus the next term of the term cannot all 0. Here in bracket n plus 1 into yn of 0 is equal to 0. Therefore, yn of 0 is equal to he plus 1 take like I will minus y n plus 2 of 0 upon in bracket n plus 1. So final answer. सर एक मिनिट मॅथचे स्लाइड ओपन कर हॅलो सर हा बोला सर इथे मायनस टू आहे का नाही ओनली टू आहे मायनस टू नाही ओनली टू आहे ओके सर आता नंतरची साइड ओपन करा साइड सर इथे तुम्ही कॉमन काढलं एन इंटू वाय एन तिथे एन मायनस वन इंटू प्लस टू एक्स म्हणजे एक्स घेतलं नाही घेतलं ना एक्स एन इंटू वाय एन इथे टू एक्स वाय एन प्लस वन आहे एक्स कुठं लिहिलंच नाही तुम्ही इथं एक्स आहे ते म्हणताय का राईट कुठल्या पार्ट मध्ये लागत सांगा मला ह्या स्टेप मधलं ना एक्स इथं एक्स आहे ते एक्स आहे दोन्ही कॉमन घेतलं ना मी इथं हा इथले एक्स मागच्या साईड कोणत्या
इतने एक्स दोन एक्स मैं घमन इकड़े एक्स नहीं ना कुछ टर्म मध्य सर बोला एक्स आहे ना हे एक ह्या दोन्ही मधून आपण कॉमन घेतलं ना बघा हा एक पार्ट कॉमन घेतला हा एक पार्ट कॉमन घेतला हा घेतला ह्यातला हा हा आणि हा तिन्ही कॉमन गेलं ना बाहेर त्यामुळे इथं काय राहणार वन राहणार फक्त आणि इथं एन राहत आहे आलं ना एन प्लस येतो वन आणि मी कॉमन घेतलेला आहे तो कि आपण स्टॉप करू नेक्स्ट याला नेक्स्ट लेक्चरला आपण एक्झाम्पल घेऊ तर ब्रेक नंतर लगे माझा लेक्चर आहे सेकंड ब्रेक नंतर 12:45 ला तुम्ही अगेन जॉईन करा 12:45 एवढेच प्रेझेंट राहू द्या 464 काय राहा नियर अबाउट 64-65 होतं एक पण कमी झाला जाऊन सर व्हिडिओ अपलोड करा हा ठीक आहे पाठवण्याचे सगळे केलेत आता हा एक राहिला थोडा हा लेक्चर झाला की अपलोड करतो दोन्ही लेक्चर झाले की अपलोड करतो.